महत्व पूरे देश व दुनिया के क्रांतिकारियों में कितना है, इसका अंदाजा एक छोटी सी घटना से लगाया जा सकता है। एक बार जापान और फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया अपने किसी सरकारी काम से। उन्होंने अपने देशों में चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुना था, तो उन्होंने जब अपना सरकारी काम खत्म कर लिया तो उन्होंने भारत के अधिकारियों से कहा कि हम आपके देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के स्मारक को देखना चाहते हैं। अब दिल्ली के सारे अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए कि देश में चंद्रशेखर आजाद का कोई स्मारक तो बना नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बदरका नाम का गांव, वहां पर इनको ले जाते हैन्म वहां पर इनको दिखा देते हैं उनके जन्म स्थान को। तो जब जापान और फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल बदरका गया और बदरका जाकर उसने जब इस महान स्वतंत्रता सेनानी के स्मारक की दुर्दशा देखी, उस गांव की बदहाली देखी, वो तो कल्पना कर रहे थे कि भारत देश का जो इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हुआ, जिसके बारे में हमने जापान में और फ्रांस में सुना है, उसका बड़ा सा स्मारक बना होगा। लेकिन जब उन्होंने दुर्दशा देखी तो भारत के अधिकारियों के सामने कहा कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी की आपने दुर्दशा की है, अगर ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जापान में पैदा होता तो आज जापान देश का नाम जापान नहीं आजाद जापान होता। चंद्रशेखर आजाद के जीवन की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, क्योंकि हमें कभी किताबों में पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। पहली से लेकर पांचवीं छठी सातवीं तक जो हम निबंध लिखते रहे, पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ाया हमें जाता रहा, वो राजीव गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता रहा। क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया गया तो उनको आतंकवादी कहकर पढ़ाया गया, तो उनके जीवन के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। तो आज चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्ति जो एक छोटे से गांव में जिसने जन्म लिया, एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, पिता के पास खाने के लिए रोटी नहीं, घर में सुबह चूल्हा जल गया तो शाम को चूल्हा जलाने के लिए अन्न का दाना नहीं, आज भोजन मिल गया तो इस बात की गारंटी नहीं कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने अभाव देखा, जिसने गरीबी देखी, जिसने गांव की देश की दुर्दशा देखी, 24 साल 7 महीने और 4 दिन के छोटे से जीवन में उसने यह सिद्ध कर दिया कि छोटी आयु, गरीबी, कम पढ़ा लिखा होना, संसाधनों का अभाव, आदिवासी क्षेत्र गांव के वातावरण में जन्म लेना, ये सारे कारण देश सेवा के रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकते। अगर संकल्प पूरा हो तो कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा साधनहीन युवक जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, जिसको शिक्षा नहीं मिल पाई, वो एक छोटी सी पिस्तौल के साथ अपने संकल्प के बल पर ऐसे अंग्रेजी साम्राज्य जिसके राज में दुनिया में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, उस अंग्रेजी साम्राज्य के अगर चूल्हे हिला सकता है तो आप और हम तो एक ऐसे देश के युवा हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं। अगर हम ठान लें तो आज हमारी संस्कृति पर, हमारे सभ्यता पर, हमारे देश पर जो आक्रमण हो रहे हैं, हम चंद्रशेखर आजाद से अगर प्रेरणा लें तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद कैसे बने? शहीद भगत सिंह की जब बात आती है तो शहीद भगत सिंह अध्ययन बहुत करते हैं। शहीद भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 से लेकर 23 मार्च 1931 तक जेल में रहे। जेल के 716 दिनों में उन्होंने 300 पुस्तकें पढ़ी। उनके एक साथी कहते हैं कि शहीद भगत सिंह पुस्तकें पढ़ते नहीं थे, उनको घोलकर पीते थे। चंद्रशेखर आजाद कभी पुस्तकें नहीं पढ़ते थे, वो पुस्तकों का निचोड़ जो बातचीत में आता था उसको ग्रहण करते थे। जैसे हम इसके सामने दूध में मिलाकर पानी डाल दिया जाए तो वो पानी को छोड़ देता है, दूध दूध को ले लेता है, उसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद विद्वानों का सारा निचोड़ ले लेते थे और भगत सिंह जैसे बहुत पढ़ने वाले क्रांतिकारी भी चंद्रशेखर आजाद को अपना गुरु मानते थे, उससे अपनी प्रेरणा लेते थे। चंद्रशेखर आजाद के बचपन की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद का 14 वर्ष तक
नाम चंद्रशेखर तिवारी था। 14 वर्ष की आयु में 1921 के सन में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। पूरे देश में भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपने विद्यालय की पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पढ़ाई पर ठोकर मारकर असहयोग आंदोलन के लिए निकल पड़े। उसी असहयोग आंदोलन में उस समय चंद्रशेखर आजाद बनारस में अपना विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान निरपराध आंदोलनकारियों पर अंग्रेजी पुलिस अत्याचार करती थी, लाठियां बरसाती थी। तो एक बार धरना दे रहे आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों की पुलिस ने अत्याचार किया, लाठियां बरसाई, तो बालक चंद्रशेखर वहां पर खड़ा था। उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके पास कोई गोली या पिस्तौल उस समय नहीं थी, तो उसने पास से पत्थर उठाया और पुलिस का जो ऑफिसर था उसको निशाना लगाकर उसके माथे पर पत्थर मारा। अंग्रेज अफसर के माथे से खून की धार बहने निकली, चंद्रशेखर आजाद पत्थर मारकर गायब हो गए। अब क्योंकि पुलिस के अफसर के ऊपर पत्थर मारा था तो अंग्रेजों की पुलिस पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी को कैसे छोड़ दे, तो बनारस के हर विद्यालय को, हर धर्मशाला को मंगाला गया और 3 दिन बाद चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों के एक जज के सामने लाया गया और वो जज इतना क्रूर था कि वो ये कहता था कि माफी देना जज का काम नहीं होता, किसी को पकड़कर छोड़ना ये तो शिकारियों का या चिड़ीमारों का काम होता है कि पंछी को पकड़ लिया और छोड़ लिया। हम तो अंग्रेजों के जज हैं, हमारा काम तो क्रूर से क्रूर सजा देना है। उसके कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद को पेश किया गया। उसने जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो बालक चंद्रशेखर तिवारी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम आजाद है। उसके बाद आवाज आजाद जवाब सुनकर तो दिल मिला गया। उसके बाद उसने दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। जज और दिल मिला गया, उसने पूछा कि तुम्हारा घर कहां है, तो चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा घर जेल खाना है। उसके बाद उस जज ने क्रोध में आकर 15 बेंतों की सजा चंद्रशेखर आजाद को सुना दी। चंद्रशेखर आजाद को वहां की सेंट्रल जेल में ले जाया गया। जेलर ने उससे कहा कि अभी भी तुम माफी मांग लो तो तुम्हारी 15 बेंतों की सजा माफ कर दी जाएगी। तो चंद्रशेखर आजाद ने माफी मांगने से मना कर दिया। चंद्रशेखर आजाद को एक लकड़ी के साथ बांध दिया गया, पूरे कपड़े उनके उतार दिए गए और सिर्फ पीछे वाले हिस्से पर एक पतला कपड़ा ढक दिया गया और जल्लाद ने चंद्रशेखर आजाद के शरीर पर बेंत मारनी शुरू की। वो बेंत कितनी खतरनाक होती थी, उस समय के जो भयानक से भयानक मुजरिम होते थे, खूनी अपराधी शराबी होते थे, वो 3-4 बेंत खाकर बेहोश हो जाते थे, वो घबरा जाते थे। बेंतों की मार का असर कम हो इसके लिए वो नशा करते थे, अफीम खाते थे, गांजा पीते थे, चरस पीते थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हर बेंत के ऊपर बेंत पड़ते ही शरीर की खाल उधड़ती थी और इधर चंद्रशेखर आजाद के मुंह से आह नहीं निकलती थी, भारत माता की जय और वंदे मातरम निकलता था। 15 बेंतों के बाद 15 बेंत खाकर जहां बड़े से बड़े मुजरिम को लोग कंधे पर उठाकर ले जाया करते थे, चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों से चलकर गए। और अंग्रेजों का एक नियम था जिसको बेंत लगाई जाती थी उसको बाद में फिर 3 आने दिए जाते थे ताकि वो मरहम पट्टी करवा सके, कुछ दूध या घी खा सके। तो चंद्रशेखर आजाद को जब जेलर ने 3 आने दिए तो चंद्रशेखर आजाद ने वही जेलर के मुंह पर वो 3 आने फेंक कर मारे। उस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम पूरे बनारस में और पूरे देश में चंद्रशेखर तिवारी नहीं चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। 14 साल की आयु में एक छोटे से लड़के ने कितना बड़ा काम किया, पूरे बनारस में इसकी गली गली में चर्चा होने लगी और चंद्रशेखर आजाद बनारस का हीरो बन गया। चंद्रशेखर आजाद बनारस के युवकों का नायक बन गया। बड़ी बड़ी उम्र के युवक भी 20-20 साल के, 22-22 साल के युवक उससे प्रेरणा लेने लगे। उस चंद्रशेखर आजाद से जब प्रेरणा लेने लगे तो बनारस में एक बड़ी सभा की गई, वहां पर चंद्रशेखर आजाद को सम्मानित किया गया। ऐसे चंद्रशेखर आजाद थे।
उसी बेतों की सजा के बाद आजाद नाम पड़ा और चंद्रशेखर आजाद ने बार बार जब साथियों के साथ बात चलती थी तो वो कहते थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने का पण अगर चंद्रशेखर आजाद ने लिया तो उसके पीछे इन 15 बेतों की सजा बार बार उसको याद आती थी और वो संकल्प लेता था कि मुझे अंग्रेजों के अत्याचारी शासन को मिटाना है, देश के बाहर उन्हें अंग्रेजों को भगाना है। चंद्रशेखर आजाद लीडर बहुत थे। आप सबने, आप क्योंकि शिक्षक हैं, चाणक्य के वंशज हैं, सारे देश के क्रांतिकारियों को, विदेशों के क्रांतिकारियों को पढ़ा होगा। मैंने भी थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की है, सारे क्रांतिकारियों को मैंने पढ़ा है। लेकिन जितनी निडरता, जितना साहस, जितना धैर्य, जितनी हाजिर जवाबी चंद्रशेखर आजाद के अंदर थी, उतनी भारत और दुनिया के किसी और क्रांतिकारी के अंदर नहीं। चंद्रशेखर आजाद कितने निडर थे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस समय क्रांतिकारियों के पास मीडिया नहीं होता, टीवी नहीं होता था, तो क्रांतिकारी अपने विचारों का पर्चा छपवाते थे। और पर्चा छपवाना कितना खतरनाक था, वीर सावरकर को 2 जन्म की सजा केवल एक पर्चा छपवाने के लिए दी गई, काले पानी भेजी गई। माना उस जमाने में पर्चा छपवाना बहुत बड़ा गुनाह था। 1947 में हमें पूरी आजादी नहीं मिली, लेकिन आज इतनी आजादी मिल चुकी है कि हम कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, सरकार के विरोध में बोल सकते हैं। उस समय इतनी आजादी भी नहीं थी। तो चंद्रशेखर आजाद और सारे क्रांतिकारी पर्चे छुपवाते थे चोरी छिपे किसी प्रेस में, खुद प्रेस में काम करते थे, प्रेस का काम सीखते थे, पर्चे छुपवा कर उसकी जो प्लेटें और जो दूसरी चीजें बनती थी, छापा बनता था, उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो चंद्रशेखर आजाद के साथियों ने एक पर्चा छपवाया और साथियों के बीच में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कानपुर की बात है, कि हम ये पर्चा थाने के सामने लगाएंगे। अब सारे साथियों ने कहा कि ये क्या मूर्खता की बात है, थाने के सामने 24 घंटे सिपाही खड़ा रहता है, वहां पर तो पर्चा लगाना क्या कोई क्रांतिकारी जाए, ये भी नहीं सोचा जा सकता। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं इस काम को करूंगा। तो सारे साथियों ने कहा कि पंडित जी ऐसा मत करो, फंस जाओगे, ये होने वाला काम नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद की निडरता देखो, उसने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। वो गए, अपनी पीठ के ऊपर पर्चे को उल्टा चिपकाया, गोंद दूसरी साइड ज्यादा लगाया, पीठ के ऊपर कम लगाया, सिपाही से जाकर बात करने लगे। बात करते करते सिपाही का ध्यान थोड़ा सा इधर हुआ तो दीवार के सामने सट गए, दीवार पर पर्चा चिपक गया, सिपाही थोड़ा सा मुड़ा, चंद्रशेखर आजाद गायब हो गए। और उसके बाद सिपाही देखता है कि मैं यहां पर पहरे पर हूं और भारत के क्रांतिकारियों की हिम्मत देखिए कि मेरे सामने पर्चा चिपका है। चंद्रशेखर आजाद कितने निडर थे, आजाद कैसे रहे। ब्रिटिश पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के नाम 27 वारंट निकाले थे। कितने वारंट निकाले थे, कभी आपने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कभी कोई वारंट निकला, कभी किसी इतिहास में पढ़ा आपने? चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 27 वारंट निकाले गए। ब्रिटिश पुलिस ने कई लोगों को सिर्फ इसलिए अपने गुप्तचर विभाग में, अपनी सीआईडी में रखा, उनकी केवल एक योग्यता थी कि वो चंद्रशेखर आजाद को पहचान सकते हैं। माना उस समय सरकारी नौकरी किसी को चाहिए, उसको और कुछ भी ना आए, अगर वो चंद्रशेखर आजाद को जानता है तो ब्रिटिश पुलिस 60 रुपये महीना की उसको नौकरी देने के लिए तैयार थी। और ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को रखा हुआ था कि किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना है, क्योंकि उसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नाक में दम कर रखा है। तो एक बार ऐसे ही कानपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद की कोई सगी बहन तो नहीं थी, वो एक मुंह बोली बहन के घर गए। मुंह बोली बहन के घर जब वो राखी बंधवा रहे थे तो पता लगा कि पुलिस ने मकान को चारों ओर से घेर दिया है और मकान के मुख्य दरवाजे पर पुलिस का ऑफिसर खड़ा है। अब बहन का परिवार घबरा गया कि भैया मेरे घर राखी बंधवाने के लिए आए हैं, उनको पुलिस पकड़ लेगी तो बहुत बदनामी होगी, क्रांतिकारी कहेंगे कि हो ना हो इन्होंने सूचना दी है। तो चंद्रशेखर आजाद ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराए, उन्होंने कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने उनके नौकर के कपड़े लिए, नौकर का अंगोछा लिया, वो सिर के ऊपर डाला, बहन की पूजा की थाली अपने हाथ में ली, अपना माउजर निकालकर थाली के ऊपर रखा, उसके ऊपर मिठाइयां रखी, फूल रखे, राखियां रखी और बहन से कहा,
कि आप मुख्य दरवाजे से चलो। तो उसकी बहन ने कहा कि कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, मुख्य दरवाजे के ऊपर तो सबसे अधिक पहरा है, वहां से थोड़ा ही जाया जा सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चलो तुम्हें घबराना नहीं है, पुलिस ऑफिसर को राखी बांधते हुए जाना है। चंद्रशेखर आजाद लेकर गए और उसकी हिम्मत देखिए, उसकी बहन ने पुलिस के ऑफिसर को राखी बांधी, चंद्रशेखर आजाद पुलिस ऑफिसर के आंखों के सामने से निकल गए और अंग्रेजों की पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ऐसे निकल एक बार जब 1925 में काकोरी कांड कहा जाता है पाठ्य पुस्तकों में, मैं तो ये मानता हूं कि वो काकोरी का कांड नहीं था, काकोरी का बहुत सा एक बहुत बड़ा शौर्य का कारनामा हमारे क्रांतिकारियों ने किया था। अगर हमारे इतिहास में उसको कांड कहा जाता है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो काकोरी शौर्य के बाद 1925 से लेकर 1931 तक चंद्रशेखर आजाद भूमिगत रहे, छुप कर रहे। तो वो जब छुप कर रहते थे तो उन्होंने झांसी के पास एक बार वो साधु के भेष में रहते थे। तो जब वो साधु के भेष में रहते थे तो एक बार जब वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया और चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि आपका ठोर ठिकाना कहां है। अब चंद्रशेखर आजाद की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो घबरा जाता। उसने कहा कि साधुओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता और साधुओं का जो ठोर ठिकाना पूछता है उससे साधुओं का वर्त टूटता है। आज तो पूछ लिया, खबरदार आज के बाद किसी साधु से उसका ठोर ठिकाना मत पूछना। ऐसे ही जब वो साधु बने हुए थे तो जिस गांव में वो रहते थे उस गांव के पास एक खून हो गया। अब खून हो गया तो सरगर्मी से तलाश शुरू हो गई तो पुलिस को थोड़ा सा सुराग लग गया। तो उन्होंने एक बार जब चंद्रशेखर आजाद साधु के वेश में जा रहे थे तो पुलिस के सिपाहियों ने उनको रोक लिया और उनसे कहा कि तुम आजाद हो। अब आप कल्पना कीजिए, चंद्रशेखर आजाद की जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता, फरारी के जीवन में उसको नाम से कोई पुलिस वाला पकड़ता पुकारता तो वो एकदम हिचकिचा जाता, एकदम घबरा जाता, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती। और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया देखिए, जैसे ही ये कहा गया कि तुम आजाद हो तो चंद्रशेखर आजाद ने दिलेरी से कहा कि मैं साधु हूं और साधु तो आजाद ही होता है, साधु को कौन बंधन में बांध सका है। अब पुलिस वालों को शक था तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम आजाद हो, तुम थाने चलो हमारे साथ। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं थाने नहीं जाऊंगा, मेरी हनुमान जी की पूजा का समय हो गया और मुझे पूजा करनी है। उसके बाद में वो नहीं माने, बोले नहीं थाने चलना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने सिपाहियों को धमका दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा थाने का दरोगा के नौकर तुम हो, मैं नहीं हूं, मैं तो हनुमान जी का नौकर हूं, हनुमान जी का हुक्म मानूंगा, आपको हुक्म मानना है तो आप जाओ। अब इतनी हिम्मत चंद्रशेखर आजाद की ही हो सकती है। एक बार मैं उनकी निडरता की ही बात करूंगा आपके सामने, ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। एक बार चंद्रशेखर आजाद ने कहीं एक बम की फैक्ट्री लगाई हुई थी कानपुर में, तो ऐसा निर्णय हुआ कि अब इस बम की फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, इस बम की फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद को मजाक सूझा, उसने सारे बम और सारा सामान हटा लिया, कुछ जो बेकार बेकार बमों के खोल थे वो वहां पर छोड़ दिए और पुलिस को सूचना दे दी कि वहां पर क्रांतिकारियों के बम की फैक्ट्री है, वहां पर चले जाओ। पुलिस के अधिकारी गए, वो वहां पर खाक छानते रहे और चंद्रशेखर आजाद सामने खड़े उसका तमाशा देखते रहे। इसी प्रकार एक बार चंद्रशेखर आजाद ने और क्रांतिकारियों ने ठिकाना बनाया हुआ, उस ठिकाने पर गलती से एक बम फट गया। अब बम फट गया तो आसपास पता लग गया तो ये निश्चित हो गया कि अब थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। तो उस समय चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके क्रांतिकारी कुछ और मित्र और कुछ क्रांतिकारी बहनें भी थी। तो चंद्रशेखर आजाद के पास दो दायित्व थे कि हमें इन बहनों को और क्रांतिकारियों को भी बाहर निकालना है और यहां से सारा सामान समेटना है, जो हमारे पर्चे हैं, जो हमारे पत्रक हैं, जिनके नाम पते हैं, जिन सबूतों के आधार पर पुलिस क्रांतिकारियों को पकड़ सकती है। तो चंद्रशेखर आजाद ने पहले तो क्रांतिकारियों को निकाला, उसके बाद वो सामान लेने के लिए गए, घर का सारा सामान उन्होंने समेटा। जब वो वापस लौटने लगे तो रास्ते में पुलिस ने देख लिया। अब पुलिस गठरी उनके पास थी सामान की, जिसमें क्रांतिकारियों का सारा सामान था, पुलिस वो जैसे निकले हैं पुलिस आ रही है। तो उन्होंने पुलिस ने उससे पूछा क्या तुम क्रांतिकारी हो। तो चंद्रशेखर आजाद की हिम्मत देखिए, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो ऐसे समय में मैनेज नहीं कर पाता, अपने आप को संभाल नहीं पाता। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं
क्रांतिकारी नहीं मैं तो धोबी हूं, सामने वाली कोठी से कपड़े लेकर आया हूं। चंद्रशेखर आजाद की हिम्मत और कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब वो झांसी में वेश बदल कर रहते थे तो झांसी के एक मोटर के गैरेज में उन्होंने हरिशंकर के नाम से ड्राइवरी सीखी और मोटर मैकेनिक का काम सीखा। हरिशंकर के नाम से वो वहां के एक मास्टर है, मास्टर रुद्र नारायण जी। आप जो चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखते हैं ना, चंद्रशेखर आजाद की केवल चार फोटो है। एक फोटो उनके बचपन की जब वो मेज पर खड़े हैं जो बनारस की है कोड़े खाने के बाद की। एक फोटो आप ये देखते हैं जिसमें वो मूंछों के ऊपर ताव दे रहे हैं। एक फोटो उनकी वो मास्टर रुद्र नारायण की पत्नी और बच्चे के साथ बैठे हैं। और एक फोटो वो है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, अल्फ्रेड पार्क में जब उन्होंने शहादत दे दी तो उनके पार्थिव शरीर के साथ पुलिस ने खींची। ये चार केवल फोटो चंद्रशेखर आजाद की उपलब्ध है, इसके अलावा और कोई फोटो उनकी है नहीं। तो फोटो की कहानी की चर्चा भी हम करेंगे। तो मास्टर रुद्र नारायण के घर पर वो रहते थे, तो जिस मोटर गैरेज में वो मोटर मैकेनिक का काम करते थे उस समय मोटर कारें कोई बहुत अधिक नहीं होती थी। एक शहर में, झांसी शहर में केवल दो फोटोग्राफर थे और एक मोटर गैरेज थी। तो पुलिस के एसपी को कई बार जब उसका ड्राइवर छुट्टी चला जाता था तो उस समय जैसे आज ड्राइवरी आती है ऐसे ड्राइवरी नहीं आती थी। तो चंद्रशेखर उस गैरेज से एसपी ड्राइवर को मांगता था, तो पुलिस का एसपी ड्राइवर को मांगता था, तो एक आध दिन के लिए जब जाना पड़ता था तो चंद्रशेखर आजाद झांसी के एसपी की गाड़ी में चलाकर आते थे। झांसी में जिस नाम से वो रहते थे, हरिशंकर के नाम से जो लाइसेंस बनवाया वो लाइसेंस भी उन्होंने उसी एसपी से बनवाया। चंद्रशेखर आजाद ने जब शहादत दे दी तो शहादत के कई दिनों बाद ये पता लगा, और ये पता लगा तो पुलिस ने अपना सिर पीट लिया कि किसी क्रांतिकारी में इतनी हिम्मत भी हो सकती है कि पुलिस के एसपी की गाड़ी चला जाए और पुलिस को पता भी ना चले। तो ये चंद्रशेखर आजाद की निडरता थी। अब चंद्रशेखर आजाद बचे कैसे रहे? चंद्रशेखर आजाद के अंदर एक विशेष गुण था, वो धरती पुत्र थे, धरती के अंदर मिक्स हो जाते थे, धरती के अंदर रच बस जाते थे, वो अलग नहीं दिखते थे। जब वो भागवत की पोथी जनेऊ और धोती कुर्ता पहन लेते थे तो वो पुजारी नजर आते थे, जब वो एक गमछा डालकर धोती कुर्ता डालते थे तो ग्रामीण नजर आते थे, जब कभी वो खाता बही लेकर चश्मा लगा लेते थे तो मुनीर जी बन जाते थे, जब कभी वो गेरवा वस्त्र पहन लेते थे तो सन्यासी बन जाते थे। वेश बदलने में बहुत माहिर थे और चंद्रशेखर आजाद का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था जो देश के आम आदमी में मिलता था, वो जो वेश बने उसी वेश में उसी में फिट हो जाते थे उसी रोल में, तो लोग उनको पहचान नहीं पाते थे, पुलिस भी उनको पहचान नहीं पाती थी। चंद्रशेखर आजाद की जो फोटो आप देखते हैं, ये फोटो मास्टर रुद्र नारायण, उनके पास कैमरा होता था, झांसी में दो ही कैमरे होते थे। तो एक बार चंद्रशेखर आजाद नहाकर निकले, उनको बार बार वो कहते थे कि आप फोटो खिंचवा लो आगे के लिए काम आएगी, तो चंद्रशेखर आजाद कभी तैयार नहीं होते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हमने फोटो खिंचवा ली तो पुलिस को चेहरा पहचान में आ जाएगा, और अगर पुलिस को चेहरा पहचान में आ गया तो पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। तो चंद्रशेखर आजाद फोटो नहीं खिंचवाते थे। तो मास्टर रुद्र नारायण ने जब चंद्रशेखर आजाद एक बार नहाकर आए, कुर्ता उन्होंने पहना नहीं था, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से पूछ लिया क्या मैं आपके फोटो ले लूं? तो चंद्रशेखर आजाद का उस समय पता नहीं क्या मन था, उन्होंने कहा चलो छोटी सी पूछे ठीक कर लेता। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी पूछों को ठीक कर ही रहे थे, मास्टर रुद्र नारायण ने फोटो खींच ली क्योंकि उनको पता था कि एक बार तो पंडित जी ने हां कर दी, पता नहीं कब मना कर दे दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो फोटो उन्होंने खींच ली, इस फोटो का इतिहास है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद चले गए तो उन्होंने बाद में सोचा कि ये तो बहुत गलत हो गया। उस समय कांच की प्लेट पर नेगेटिव बनता था, ये नेगेटिव की फिल्म नहीं होती थी, डिजिटल कैमरा नहीं होता था, तो कांच की प्लेट पर नेगेटिव बनता था। तो चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन बाद अपने क्रांतिकारी को भेजा कि झांसी जाओ और मास्टर रुद्र नारायण जी के पास जो नेगेटिव है, जो कांच की प्लेट है जिसमें मेरी फोटो है, उसको लेकर तोड़ दो, खत्म कर दो, एक भी फोटो बननी नहीं चाहिए। वो क्रांतिकारी मास्टर जी के पास पहुंचा, उसने कहा कि वो फोटो मुझे दे दो, वो हमारे सेनापति का आदेश हुआ है उसको तोड़ना है। तो चंद्रशेखर आजाद जी
के आदेश पर मास्टर उदयनारायण ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर ये फोटो हमने तोड़ दी तो आने वाला इतिहास, ये आने वाला भविष्य ये जान नहीं पाएगा कि इतिहास में चंद्रशेखर जैसा क्रांतिकारी दिखता कैसे था। अब उन्होंने जिस व्यक्ति को भेजा था वो भी पक्का क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि सेनापति का आदेश है तो ये काम करना है। उसके बाद मास्टर रुद्रनारायण जी ने बहुत कहा, उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो तो मैं दीवार में इनको चिन्हवा देता हूं, जब तक देश आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं इनको निकालूंगा नहीं, जब तक गिरफ्तारी का खतरा है मैं इनको दीवार के अंदर चिन्हवा कर रखूंगा, तुम चंद्रशेखर आजाद को जाकर कह दो कि मैंने वो प्लेट समाप्त कर दी। और उस वो क्रांतिकारी कहता है कि मैंने अपने सेनापति का आज तक कोई आदेश नहीं टाला, चंद्रशेखर आजाद का मैं इतना सम्मान करता हूं कि वो कहें उनकी एक आवाज पर मैं कहीं भी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश के लोगों का प्यार और उनकी भावनाएं देखकर मैंने भी निर्णय कर लिया कि मैं इस एक बात पर चंद्रशेखर आजाद से झूठ बोल दूंगा। और उसने चंद्रशेखर आजाद को झूठ कह दिया कि वो प्लेट मैंने तोड़कर खत्म कर दी, जबकि वो प्लेट मास्टर रुद्रनारायण के दीवार में चिनी थी। और जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हो गई, चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दे दी, उसके बाद वो प्लेटें निकाली गई और पूरे देश में इन तस्वीरों के नाम से चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद की जब वीरता की बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बहुत लापरवाह होंगे। चंद्रशेखर आजाद निडरता थे, सारी योजना वो बनाते थे कि कहां क्या एक्शन करता है। काकोरी जो ट्रेन लूटी गई उस ट्रेन की एक एक योजना उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो सतर्क भी बहुत थे, बहुत चुस्त और बहुत सावधान थे। दो घटनाएं यशपाल जी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार हमने सोचा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़वाते हैं, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल की जो गाड़ी कोर्ट में लेकर जाती है वो एक फाटक के ऊपर रुकती है, हम उस फाटक के ऊपर खड़े रहेंगे और उस गाड़ी के ऊपर हमला करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजाद करवा लेंगे। उन्होंने जो सोचा था वो समय के ऊपर पहुंचे और जब गाड़ी आई फाटक के ऊपर रुकी, वो एक स्थान पर खड़े थे तो सारे साथी इंतजार कर रहे थे कि एक बार चंद्रशेखर आजाद इशारा करें और हम गाड़ी के ऊपर हमला करके अंग्रेजों की पुलिस पर आक्रमण करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हमें जान से प्यारे हैं उनको छुड़वा लें और देश के क्रांति के काम में लगा दें। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने सबको स्टॉप करवा दिया। सारे क्रांतिकारी मन ही मन चंद्रशेखर आजाद से गुस्सा हो गए और जब वापस आने पर चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि हमने जो योजना बनाई थी वो इतने पुलिस वालों की बनाई थी, आज उस गाड़ी के साथ उससे दोगुने पुलिस वाले थे, अगर हम उस समय एक्शन करते, उस समय आक्रमण करते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो मिलते नहीं, उनके प्राण जाते और हमारे प्राण जाते। माना निडरता और सतर्कता का मेल चंद्रशेखर आजाद के अंदर था। चंद्रशेखर आजाद एक आदर्श क्रांतिकारी थे। अभी थोड़ी देर पहले भाई हरिओम पवार जी की आप कविता सुन रहे थे, उस कविता में हरिओम पवार जी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पास दल का सारा धन रहता था, वो एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, खुद कभी भी पूरी बाजू की शर्ट तक नहीं पहनते थे, कड़कड़ाती गर्मियों में जमीन के ऊपर अखबार बिछाकर सोते थे, एक एक आना सबको नाश्ता करने के लिए मिलता था, चना खाकर खिचड़ी खाकर वो गुजारा करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि क्रांतिकारियों को एक दिन भोजन मिल गया तो अगले दिन भोजन नहीं मिलता। इतनी गरीबी के बाद जब किसी व्यक्ति ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के माँ बाप भी भूखों मरते हैं तो उसके लिए पैसे भेज दो, तो आपने सुना कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि केवल मेरी माँ भूखी नहीं मरती, इस देश की लाखों माएं भूखी मरती हैं, अगर हम अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते, उनको रोटी नहीं दे सकते तो ये दो गोलियां काफी हैं उनकी सेवा करने के लिए। ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा था और ऐसा कहने वाला क्रांतिकारी केवल चंद्रशेखर आजाद ही हो सकता है और कोई क्रांतिकारी इतनी बड़ी दिलेरी की बात नहीं कर सकता। अब चंद्रशेखर आजाद की मां कैसी थी? चंद्रशेखर आजाद की मां को बहुत कम दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद की मां की विडंबना देखिए। 1931 में 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दी। चंद्रशेखर आजाद बनारस में 14 वर्ष की उम्र के बाद केवल दो बार घर गए, तीसरी बार घर भी नहीं गए अपने माता पिता से मिलने। तो उसकी मां की बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा घर आ जाए, मैं उसकी शादी करूं, वो मेरी सेवा करे। तो किसी ने उसकी मां को कहा कि तुम अपने पैर की दोनों उंगलियां एक धागे से एक साथ बांध लोगी, मन्नत मांगोगी तो तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा।
एक माह की विडंबना देखिए, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दे दी। उसकी मां को 1949 तक 18 साल तक ये यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बेटा मर गया। 1919 में उसने वो अपना धागा खोला जो उसने बांधा था कि चंद्रशेखर आजाद मेरे घर में आएगा, वो आएगा तो मैं धागा खोलूं। चंद्रशेखर आजाद की मां कैसी थी? एक बार चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद उसके कुछ क्रांतिकारी साथी चंद्रशेखर आजाद की मां से मिलने गए। जब उसने झोपड़ी देखी, दरिद्रता का जीवन देखा, तो चंद्रशेखर आजाद की मां से पूछा कि खर्च कैसा चलता है, खाना पीना कैसे होता है, गुजारा कैसे होता है। तो चंद्रशेखर आजाद की मां ने कहा कि खेतों से लाकर कंदमूल या कुछ सब्जी उबाल कर खा लेती हूँ, कभी कभी खिचड़ी बनाकर खा लेती हूँ और कभी कभी भूखी सो जाती हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की मां हैं, सरकार की ओर से आपके लिए कुछ पेंशन या कोई इंतजाम नहीं हुआ? तो चंद्रशेखर आजाद की मां ने उनकी बात काट दी और कहा कि मेरे बेटे को भी कभी दो वक्त की रोटी नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद मेरा बेटा था, मैं तो उसकी मां हूं, मुझे दो वक्त की रोटी कैसे मिल सकती है? मां ने आगे कहा कि चंद्रशेखर आजाद देश के लिए शहीद हुआ है, मुझे पेंशन मिले, मुझे सुविधाएं मिले, इसके लिए शहीद नहीं हुआ। देश के लिए शहीद होकर चंद्रशेखर आजाद ने किसी पर एहसान नहीं किया बल्कि अपना फर्ज निभाया है। चंद्रशेखर आजाद केवल मेरा बेटा नहीं था, चंद्रशेखर आजाद इस भारत माँ की करोड़ों माओं का बेटा था। ऐसी भावनाएं चंद्रशेखर आजाद की मां की। चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और इन सारे क्रांतिकारियों के परिवारों के साथ क्या हुआ? इतिहास में यह कहा जाता है कि जिन्होंने देश के लिए कभी खून की बात तो क्या पसीना भी नहीं बहाया, गर्दन की बात क्या कभी उंगली भी नहीं कटवाई, उन्होंने देश की सत्ताओं पर 60-60 साल तक राज किया। और जिन्होंने अपनी शहादत दे दी वो गुमनामी के अंधेरों पर रहे। चंद्रशेखर आजाद के परिवार में आज कोई जीवित नहीं है। 1951 में उनकी मां का देहांत हो गया। तो चंद्रशेखर आजाद के मामा की साइड से आज उनके कुछ वंशज दिल्ली में रहते हैं और आपको जानकर बहुत दुख होगा कि दिल्ली में जहां कई कई लाख करोड़ के घोटाले होते हैं, उनके परिवार के जो वंशज रहते हैं उनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है। लोन पर लेकर वो रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाकर वो अपना गुजारा करते हैं। भारत स्वाभिमान के वो संपर्क में है, जब भी मौका मिलता है हम उनको सम्मानित करते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भारत की विडंबना है कि एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस क्रांतिकारी का परिवार आज देश में ऑटो रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत आदर्श क्रांतिकारी थे, उनके अंदर नेतृत्व का बहुत बड़ा गुण था। शिव वर्मा कहते हैं कि वह सेनापति नहीं, हमारे परिवार के मुखिया थे। हर साथी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखते थे। वो ये ध्यान रखते थे कि बटुकेश्वर दत्त ने समय पर दवा लिया नहीं ली, जयदेव की कमीज की, जयदेव को अगर कमीज की आवश्यकता है, कुत्ते की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था हुई या नहीं, राजगुरु को जूते की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था हुई या नहीं हुई, विजय का स्वास्थ्य ठीक है तो उसको डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया। दुर्गा भाभी जो रानी लक्ष्मीबाई के बाद दूसरी बड़ी क्रांतिकारी थी, वो कहती हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों का ख्याल किए बिना, उनको पूछे बिना एक वक्त का भी भोजन किया। इतने बड़े नेतृत्वकर्ता, इतना बड़ा प्रेम रखने वाले वो चंद्रशेखर आजाद थे। दुर्गा भाभी कहती हैं कि स्वाधीनता का यह पागल पुजारी अपने कर्तव्य के प्रति और अपने प्रति वज्र की तरह कठोर था, और लेकिन जब साथियों से प्रेम और सहानुभूति की बात आती थी, देश के ऊपर मर मिटने और कुर्बान होने की बात आती थी तो फूल से भी अधिक कोमल था। ऐसे चंद्रशेखर आजाद के गुण थे। चंद्रशेखर आजाद ने शहादत कैसे दी? चंद्रशेखर आजाद ने जिस दिन शहादत दी, 27 फरवरी का समय, 23 मार्च 1931, लगभग 27 दिन बाद भगत सिंह को फांसी होने वाली है। पूरा देश लगा हुआ है कि भगत सिंह की फांसी को माफ कर दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद को किसी ने बताया कि महात्मा गांधी चाहें तो फांसी को माफ किया जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने पूछा कि महात्मा गांधी कैसे मानेंगे? तो किसी ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वो खूब मानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर कहें तो महात्मा गांधी मान सकते हैं। तो 27 फरवरी की सुबह, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि 27 फरवरी की सुबह चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए
और वहां उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी बहस हुई। चंद्रशेखर आजाद में एक छोटी सी कमी थी, जैसे भारत के आम ग्रामीण बातचीत में साला शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनका एक तकिया का नाम था, वो बार बार साला शब्द का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू से की बातचीत में साला शब्द किसी और के लिए प्रयोग किया, तो पंडित नेहरू ने सोचा कि ये साला शब्द मेरे लिए प्रयोग कर रहा है। और उसके बाद, क्योंकि सरकार आजादी के बाद, आजादी से 1947 तक अंग्रेजों की थी, 1947 के बाद एक उसी परिवार की थी जिसके ऊपर आरोप है, तो उसके बाद बहुत से लेखकों का यह मानना है कि वो जो अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज और शहीद चंद्रशेखर आजाद बैठे थे, उसकी सूचना सीआईडी को देने वाला वही था जिससे चंद्रशेखर आजाद सुबह सुबह मिलने गए। और उसके बाद जब आरोप लगाने की बात आई, तो वीरभद्र तिवारी नाम के छोटे व्यक्ति के ऊपर आरोप डाल दिया गया। वो उसका दोषी नहीं था, लेकिन किसी को दोषी दिखाना था तो उसको दोषी दिखा दिया गया। अब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद बैठे हैं, नागपावर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चलाई, चंद्रशेखर आजाद की जांघ में गोली लगी, चंद्रशेखर आजाद ने निशाना लगाया, तो चंद्रशेखर आजाद का निशाना इतना अचूक था कि नागपावर ने जिस हाथ से पिस्तौल पकड़ी हुई थी उसी हाथ की कलाई चंद्रशेखर आजाद ने तोड़ी। एक और पुलिस अफसर उनके साथ था, ठाकुर कोटेश्वर से, उसने जब चंद्रशेखर आजाद को गाली दी, तो चंद्रशेखर आजाद की अगली गोली ने ठाकुर बसेश्वर सिंह का जबड़ा तोड़ दिया। और आप हिम्मत देखिए एक क्रांतिकारी की, एक छोटी सी पिस्तौल के बल पर एक क्रांतिकारी जामुन के पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, चारों ओर 80 पुलिस वाले हैं, 80 अंग्रेजों के पुलिस वालों के पास राइफल है, उस क्रांतिकारी के पास केवल एक पिस्तौल है, उसी पिस्तौल से वो 80 राइफलों का मुकाबला कर रहा है। और वो क्रांतिकारी 32 मिनट तक लगातार अंग्रेजों का मुकाबला करता रहा, और 32 मिनट में भी वो हारा नहीं। 32 मिनट में संघर्ष करने के बाद उसकी गोलियां खत्म हो गई, तो अंतिम गोली उसने अपनी कनपट्टी के ऊपर मारी। भारत माता की जय। अंग्रेजों का एक अफसर था मिस्टर ब्रंडन, शहादत के बाद जब उसने सारा मुआयना किया, तो वो कहता है कि चंद्रशेखर आजाद जैसा सच्चा निशानेबाज पूरी दुनिया में बहुत कम है, ऐसे निशानेबाज बहुत कम मिलते हैं, खासकर उनका निशाना कितना अच्छा था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा निशानेबाज जिसका निशाना बहुत अच्छा हो, लेकिन वो भी इतनी विषम परिस्थितियों में जहां तीन ओर से उसको घेरे हुए हैं, वो भी घबरा जाता है। यदि पहली गोली चंद्रशेखर आजाद की जांघ में नहीं लगी होती, तो पुलिस का एक भी अफसर जीवित नहीं लौटता। ये पुलिस का एक ऑफिसर कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े निशानेबाज थे। चंद्रशेखर आजाद और उसकी जब पुलिस की का संघर्ष हुआ, तो चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी, चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दे दी, तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जब गोलियां चलनी बंद हो गई, उनका शरीर गिर गया, पेड़ की आड़ में खड़ा था, गिर गया, तो साफ दिखाई दे रहा है तीनों ओर से, तो अंग्रेजों के 80 पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके शरीर के पास चले जाए। मरे हुए शरीर के ऊपर वो 15 मिनट तक गोलियां बरसाते हुए, उनकी लाश के साथ भी पुलिस वालों को इतना डर लगा कि पुलिस वालों को 15 मिनट तक चंद्रशेखर आजाद की लाश को छूने की हिम्मत नहीं हुई। इतने निडर और इतने देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे, इतना बड़ा खौफ ब्रिटिश पुलिस के ऊपर था। अब चंद्रशेखर आजाद के पेड़ का और आसपास के पेड़ों का जब मुआयना किया गया, तो यह पाया गया कि चंद्रशेखर आजाद ने जितनी भी गोलियां चलाई, वो आसपास के जो 80 पुलिस वाले छुपे हुए थे उनके 6 फीट के ऊपर लगी हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिस पेड़ के ऊपर थे, जिस पेड़ के पीछे थे, उसके 10 से 15 फीट की ऊंचाई तक गोलियां लगी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि चंद्रशेखर आजाद ने जितने निशाने लगाए वो सटीक थे और अचूक थे। पुलिस वाले जो 80 थे, जिनके पास राइफलें थी, जो उससे अधिक सुरक्षित थे, जिनके ऊपर आक्रमण की संभावना कम थी, उनकी गोलियां 10 से 15 फीट तक गई है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद का निशाना कितना अच्छा था। चंद्रशेखर आजाद का निशाना कितना अच्छा था, इसकी एक छोटी सी घटना और है। लैंसडाउन नाम का एक शहर है हिमाचल प्रदेश में, उस अभी हिमाचल प्रदेश में है, पहले वो उत्तर प्रदेश में था। तो उस लैंसडाउन नाम के शहर में चंद्रशेखर आजाद उसके जंगलों में निशानेबाजी का अभ्यास करते थे। तो एक बार भगत सिंह और दूसरे साथी उनके पास थे,
तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आज आपका निशाना देखना है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चलिए मैं दिखाता हूं, वो सबको पिस्तौल चलाना सिखाते थे। तो जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूं, तो भगत सिंह ने कहा कि सामने ये जो पेड़ है इसके इस पत्ते पर आपको निशाना लगाना है। तो चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल में 6 गोलियां थी। चंद्रशेखर आजाद ने पहला निशाना लगाया, पत्ते पत्ता अपने स्थान पर रहा। दूसरा निशाना लगाया, पत्ता फिर भी अपने स्थान पर रहा। उनके साथियों ने कहा कि पंडित जी अब तो आप अच्छे निशानेबाज नहीं रहे, आपका निशाना तो चूक रहा है। 5 गोलियां चंद्रशेखर आजाद ने चला दी। 6ठी गोली चलाने से मना कर दिया, उसने कहा कि पत्ते को चेक करो। और जब भगत सिंह पत्ते को तोड़कर लाया तो उसके अंदर 5 सुराख भरे हुए, इतना पक्का निशाने पर निशाना चंद्रशेखर आजाद। पत्ता टूटा तो इसलिए नहीं कि गोली अगर पत्ते के अंदर से निकली है तो अंदर से निकल जाएगी, वो हाई स्पीड में है, पत्ता टूटकर नहीं गिरेगा। पत्ता तो तभी टूटेगा जब उसके किनारे पर गोली लगेगी। तो इतना अचूक निशाना चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद ने जब शहादत दी तो शहादत देने के बाद जिस जामुन के पेड़ के पीछे वो छुपे रहे, उस जामुन के पेड़ के पत्तों पर जो चंद्रशेखर आजाद का खून लगा हुआ था, उस जामुन के पेड़ की मिट्टी को लोगों ने इकट्ठा कर लिया, अपने घर को ले जाने लगे कि अपने बच्चों को इसका ताबीज बनाकर पहनाएंगे ताकि उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसा क्रांतिकारी पैदा हो सके, उन जैसी निडरता आ सके। अब अंग्रेजों ने जब देखा कि चंद्रशेखर आजाद तो चला गया लेकिन चंद्रशेखर आजाद का भूत भारत के लोगों में घुस गया है, तो चंद्रशेखर ब्रिटेन की पुलिस ने उस जामुन के पेड़ को उखाड़ने की सोची, क्योंकि उनको रिपोर्ट मिली थी कि इस जामुन के पेड़ की लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। इस जामुन के पेड़ के ऊपर आके लोग दीपक जलाने लगे, धूप लगाने लगे, इस जामुन के पेड़ के ऊपर आके लोग फूलों की मालाएं चढ़ाने लगे और संकल्प लेने लगे कि चंद्रशेखर आजाद के अधूरे काम को हमें पूरा करना है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि चंद्रशेखर आजाद जीवित था तो कम नुकसान हो रहा था, अब वो मर गया तो उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने रातों रात उस पेड़ को उखड़वा दिया और उखड़वा कर वहां से कहीं दूर ले जाकर कटवा दिया। इतना डर चंद्रशेखर आजाद का अंग्रेजों की पुलिस से था। अभी भी आप अल्फ्रेड पार्क में जाएं, मुझे पूरे देश में जब मैं जाता हूं तो मुझे जाने का अवसर मिलता है, बदरका भी मैं गया हूं, और चंद्रशेखर आजाद जिस पेड़ के पीछे लड़े थे उस जमीन पर अब एक जामुन का दूसरा पेड़ लगा हुआ है। वो पेड़ नहीं है जो उस समय था। उसके बाद जब अंग्रेजों ने वो पेड़ उखड़वा दिया तो किसी दूसरे क्रांतिकारी ने नया जामुन का पेड़ वहां पर लगाया, तो अभी भी वहां पर जामुन का पेड़ है। मुझे स्वामी जी महाराज जब भी इलाहाबाद जाते हैं और कोई कार्यक्रम करें ना करें, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्या मानते थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये मानते थे कि भारत में सच्ची आजादी तभी आएगी जब भारत के अंतिम व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, भारत के अंतिम व्यक्ति को भरपेट रोटी मिलेगी और भारत के अंतिम व्यक्ति के सिर पर चप्पल होगा। कांग्रेस के बारे में चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि कांग्रेस पूंजीपतियों, जमादारों और अमीर लोगों की संस्था है। कांग्रेस से यह आशा करना कि आम जनता की गरीबी या कठिनाइयां कांग्रेस से दूर होंगी, कांग्रेस उनसे मुक्ति भी दिलाएगी, तो यह महत्वपूर्ण कल्पना होगी। 1930 में चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया। गांधी जी के बारे में चंद्रशेखर आजाद कहते थे, ये वही चंद्रशेखर आजाद है जो गांधी जी के नाम से असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं। जब गांधी जी का रूप उन्होंने आने वाले 10 सालों में देखा तो गांधी जी के बारे में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह कहते हैं कि गांधी जी उदार हृदय के परोपकारी जीव हैं, लेकिन केवल परोपकार से जनता का कल्याण नहीं हो सकता, आज देश को निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को कुर्बान कर देने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अहिंसक क्रांति से देश को आजादी नहीं मिल सकती, देश में तो सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है, ऐसा चंद्रशेखर आजाद मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह कहते थे कि कांग्रेस के आंदोलन से केवल एक परिवर्तन होगा, एक शोषणकर्ता के स्थान पर दूसरा शोषणकर्ता आ जाएगा, केवल राजनीतिक आजादी से कुछ लोग जनता का खून चूसेंगे, इसलिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी आनी चाहिए, भारत में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद का वो सपना अधूरा है। भारत में राजनीतिक आजादी तो आई, आधी अधूरी आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन संपूर्ण आजादी नहीं मिल पाई। संपूर्ण आजादी प्राप्त करने के लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की है कि
कि वो सपना शहीदों का जो चंद्रशेखर आजाद ने देखा था, जो शहीद भगत सिंह ने देखा था, जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, जो खुदीराम बोस ने देखा था, जो रानी लक्ष्मीबाई से लेकर 7,32,000 क्रांतिकारियों ने देखा था, उसको पूरा करना है तो पूरा व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसी व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में आप और हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, अशफाक उल्ला खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, वो स्वर्ग में भी शांति से नहीं बैठे होंगे। उनका एक उद्देश्य था कि हम बार बार भारत की धरती पर जन्म लेते रहें और जब तक भारत माता को सच्ची आजादी ना मिल जाए तब तक किसी प्रकार जन्म लेकर भारत को आजाद करवाते रहें। मेरा यह बहुत गहराई से मानना है कि भारत स्वाभिमान के जितने कार्यकर्ता हैं वो उन 7,32,000 क्रांतिकारियों की आत्माएं हैं जो अपना अधूरा काम छोड़कर, अधूरा काम पूरा करने के लिए मुक्ति का मार्ग छोड़कर, सच का सुख छोड़कर धरती पर आई है। तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के इस काम को पूरा करने का संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का पूज्य स्वामी जी महाराज का। आज पूज्य स्वामी जी महाराज चाहे तो उनके पास ना सत्ता की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना सिंहासन की कमी है, ना संसाधनों की कमी है, ना सम्मान की कमी है, लेकिन अपना सब कुछ उन्होंने केवल भारत माता को आजाद करवाने के लिए दांव पर लगाया है। आज स्वामी जी चाहे तो उनको दर दर भटकने की, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने की आवश्यकता नहीं है। वो पतंजलि योगपीठ में कुर्सी डालकर बैठ जाएं, सुबह से लेकर शाम तक उनके चरण छूने वालों की, उनको प्रणाम करने वालों की लाइन नहीं टूटेगी। लेकिन इन सारे साम्राज्य को, इन सारे आश्रम को, पूरी सारी व्यवस्थाओं को और पूरे सारे सम्मान को, अपनी जान को हथेली पर लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज का एक ही सपना है। जब उनको बार बार कहा जाता है कि CID, IB, RAW सारी एजेंसियां आपको खत्म करने के लिए तुली हुई हैं, आप स्वामी जी इस अभियान को बंद कर दें, तो पूज्य स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं कि देश के करोड़ों लोग अगर मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मेरे अंदर विश्वास रखते हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास का प्रयोग मैं केवल ताली बजवाने में करूं, मैं केवल अपना गुणगान करने में करूं, तो यह उनकी श्रद्धा और विश्वास का अपमान होगा। मुझे भगवान ने जो करोड़ों लोगों का विश्वास दिया है उस विश्वास के ऊपर मैं खड़ा उतरूंगा, और इस विश्वास के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं बिना हिचक के 1 मिनट में अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अंतिम सांस तक इस अभियान को रुकने नहीं दूंगा, इस अभियान को झुकने नहीं दूंगा। हम 100% लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। ये पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्या मानते थे? वो कांग्रेस के बारे में बार बार कहते थे कि कांग्रेस अंग्रेजों से समझौते की बात करती है, और जब कांग्रेस के लोग आजाद से कहते थे कि आप भी समझौते में शामिल हो जाओ, क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों करते हो, तो चंद्रशेखर आजाद एक लाइन में उसका बहुत अच्छा उत्तर देते थे। वो कहते थे कि अंग्रेजों से हमारा सिर्फ एक समझौता हो सकता है, कोई बातचीत नहीं हो सकती। वो समझौता ये है, केवल और केवल यह समझौता, कि अंग्रेज आज ही अपना बोरिया बिस्तर समेटे और बिना किसी शर्त के, बिना किसी बातचीत के भारत को छोड़कर चले जाएं, इसके अलावा अंग्रेजों से हमारा कोई समझौता हो नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, सत्ता की प्राप्ति हो, रास्ता कोई भी हो, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सच्ची आजादी की, संपूर्ण आजादी की प्राप्ति हो, रास्ता चाहे कोई भी हो। तो यह चंद्रशेखर आजाद का सपना था। चंद्रशेखर आजाद भी उस समय के मीडिया से परेशान थे। उस समय टेलीविजन तो नहीं था, लेकिन अखबार छपते थे, तो जितने अखबार छपते थे उसमें कुछ क्रांतिकारियों के थे, बाकी पर सरकार का नियंत्रण था, तो उस समय भी अखबारों में भ्रामक खबरें दी जाती थी। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि एक ये कांग्रेस वाले हैं जो छींकते हैं तो अखबार के पहले पन्ने पर खबर बनती है, और एक हम क्रांतिकारी हैं जो अपनी गर्दन भी कटवा लें तो अखबार में एक लाइन नहीं छपती। आज भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत के मीडिया में भी यह हो रहा है। बाबा रामदेव 1 लाख की सभा करे तो टीवी के चैनल दिखाते हैं कि बाबा रामदेव ने रामलीला की, और कुछ विदेशी शक्तियों के प्रायोजित व्यक्ति जब 4 मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो वही टीवी के चैनल कहते हैं कि पूरा देश उतरा सड़कों पर। तो ये मीडिया में विरोधाभास होता रहेगा, हमें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्रांतिकारियों का विरोध सदा देश की सारी सत्ताएं करती रही है, आपका और हमारा विरोध हो तो आपको घबराना नहीं है। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है इससे आपको विचलित नहीं होना है। आप इस
बात का यकीन रखिए कि ये क्रांतिकारियों का काम है और ये 100% हमें पूरा करना है। हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था वो भारत हम बनाएंगे, उस भारत का निर्माण हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत।